मटन है मटन दो पर्सन दे दो। अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद वीवर्स, दोस्तों आज का मेरा व्लॉग फूड पर है। दोस्तों मैं सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में मौजूद हूं। मेरे दो कज़न कारोबार के सिलसिले में पहले से ही जद्दा में मुकीम हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि मैं भी मक्का मुकर्रमा हाज़री के लिए सऊदी अरब आया हूं, तो इनकी कॉल आई कि आज जुम्मे की नमाज़ और दोपहर का लंच इकट्ठा किया जाए। प्लान के मुताबिक हमने जुम्मे की नमाज़ हरम पाक में अदा की और लंच के लिए मक्का टावर का इंतखाब किया। अगर फूड की यहाँ बात करें तो दुनिया में पाए जाने वाले हलाल फूड की सभी ब्रांचें यहाँ पर तकरीबन मौजूद हैं, जिनमें देसी, इंग्लिश, चाइनीज़, थाईज और अरबी खाने दस्तियाब हैं। आप किसी भी फूड ब्रांड से अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों मक्का टावर हरम पाक के 80-81 गेट के अपोजिट साइड पर वाकया है। ये टावर 120 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 601 मीटर है और इसका कुल रकबा 32,000 मरबा मीटर है। मक्का टावर मक्का मुकर्रमा की स्काई लाइन है। मक्का टावर को क्लॉक टावर भी कहा जाता है। मक्का टावर की बलाई मंजिल पर एक बड़ा सा चांद और चारों सिमत में बड़े बड़े क्लॉक नसफ किए गए हैं, जो मक्का मुकर्रमा शहर में दाखिल होने से पहले ही दूर से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये एक लग्जरी 5-स्टार होटल और रेस्टोरेंट और शॉपिंग प्लाजा है। मदसर भाई और फरहान भाई ने बिरयानी, फास्ट फूड, शेक फ्रूट और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, जिनका जायका काफ़ी खुश आइन था। टावर की तमीर का काम 2002 में शुरू हुआ और तकरीबन 9 साल में 2011 में मुकम्मल हुआ और 2012 में इसका बकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस टावर की तमीर पर तकरीबन 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्चा आया। इसको सऊदी कंपनी सऊदी बिन लादन ग्रुप्स ने तमीर किया। ये दुनिया की दूसरी महंगी तरीन इमारत है। चांद और क्लॉक्स तक टोटल बिल्डिंग की लंबाई 601 मीटर बनती है। रहायशी एरिया तक 508 मीटर बुलंद है। ये टावर खाना काबा से 300 मीटर के फासले पर मौजूद है। इसके होटल रूम से सीधा खाना काबा नज़र आता है। इस टावर में 5 मंजिला शॉपिंग मॉल और फूड ब्रांड मौजूद हैं। इसकी पार्किंग में तकरीबन 1,000 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। इस बिल्डिंग को खूबसूरत अंदाज में तमीर किया गया है। जिधर से भी इसको देखें तो ये खूबसूरत ही नज़र आती है। आज का ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।